गाइस मुझे पता है कि YouTube पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे लेकिन एक भी वीडियो आपके काम नहीं आया। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि आपको 40 रुपए में सीजन 4 का एलाइट पास कैसे खरीद सकते हो, सिर्फ 40 रुपए में सिर्फ। तो चलिए शुरू करते ठीक है गाइस। तो ये ऑफर आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा, लेकिन आपको दो चीज चाहिए ये ट्रिक काम करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपके पास 10 अलग अलग जीमेल अकाउंट रहने चाहिए, ठीक है। अब और दूसरी चीज, वो जीमेल अकाउंट एटलीस्ट 2 महीने पुराने रहने चाहिए, तब जाके वो ऑफर आपको मिलेगा हर एक जीमेल अकाउंट पे। और एक जीमेल अकाउंट पे एक ही बार ऑफर मिलेगा, उसके बाद वो ऑफर वो जीमेल अकाउंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास एंड्रॉइड फोन रहना चाहिए जिसमें आपका पबजी गेम इंस्टॉल हो ऑलरेडी, ठीक है। बस वो तो सबका होगा यार, ऑफ कोर्स आप इसलिए तो वीडियो देख रहे हो। चलिए शुरू करते। अबे ये सब क्या दिखा रहा तू, बच्चे लोग भी देख रहे हैं वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको आपके एंड्रॉइड फोन में पबजी स्टार्ट करना होगा। ओके, पबजी जैसे ही आप स्टार्ट करते हो वहां पे यूसी का ऑप्शन आएगा, तो यूसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यूसी के ऑप्शन पे क्लिक करते हो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई जाएंगे यूसी के लिए, 60 यूसी, 240 यूसी, 360 यूसी। तो आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है 60 यूसी का, जो कि आपको पे करना होता है 79 रुपीज में। तो आप फिकर मत कीजिए, आप वो ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो वहां पे आपको पूछा जाएगा ऐड पेमेंट मेथड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ऐड नेट बैंकिंग। तो फिलहाल तो इंडिया में जितने भी डेबिट कार्ड है सपोर्टेड नहीं करता गूगल, तो डेबिट कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट ही मत कीजिए क्योंकि आपका कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो आपको बचा कौन सा, ऐड नेट बैंकिंग मेथड, ठीक है। आपको नेट बैंकिंग मेथड चूज करना होगा। जैसे आप नेट बैंकिंग मेथड चूज करते हो तो वहां पे आपको थोड़ा डिटेल्स डालना पड़ता है, एड्रेस, फोन नंबर, महाराष्ट्र, आप डिटेल डाल दो। उसके बाद आपको बैंक पूछाएगा कौन सा बैंक है। मेरे इसमें मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वहां पे लिखा आएगा 79 रुपीज परचेज, तो वहां पे आपको नीचे ऑप्शन पे क्लिक करना है बाय पे। जैसे बाय पे क्लिक करता हूँ पासवर्ड पूछाएगा, तो पासवर्ड पे पासवर्ड आपको नहीं डालना है। वहां पे ध्यान दीजिए, वहां पे ऊपर अभी भी 79 रुपीज है। तो सबसे पहले आपको एक बार बैक का बटन दबाना है। जैसे आप बैक का बटन दबाते हो तो आपको बैक जाने के लिए वो पूछेगा, तो बैक जाओगे आप, ठीक है। तो वहां पे लिखा है फॉरगेट योर पासवर्ड, तो आप नो थैंक्स पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक मत कीजिएगा, नो थैंक्स पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप नो थैंक्स पे क्लिक करते हो आपका एक स्टेज बैक आ गया, ठीक है। वापस एक और बार आपको बैक दबाना होगा। जैसे आप एक और बार बैक दबाते हो तो आपको एक ऑप्शन पॉपअप होगा, सेव रुपीज 75 ऑन दिस परचेज, तो तब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। याद रखिए कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, गलती से भी नो थैंक्स पे क्लिक मत कीजिए, वरना ऑफर वापिस कभी आपको दिखाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको 75 रुपीज ऑफ हो जाएगा। तो अभी अब फिलहाल आपके 4 रुपया पे करना है आपके अकाउंट से। तो आप सीधा 4 रुपया पे करिए, आपका बैंक अकाउंट डालिए, डिटेल्स डालिए वहां पे, फिर आपको पासवर्ड पूछेगा वो, तो पासवर्ड डाल दीजिए आपका जीमेल का। जैसे आप जीमेल का पासवर्ड डालते हो तो बाय पे क्लिक करते हो तो आपके बैंक साइड पे फॉरवर्ड हो जाते हैं और आपको सिर्फ आपके जेब से 4 रुपया पे करना होता है 60 यूसी के लिए, ठीक है गाइस। तो ये है मेरे SMS के प्रूफ जो मैं 4 रुपया पे करते आ रहा हूँ अलग अलग जीमेल अकाउंट से, ठीक है। ओके गाइस, तो आपको 60 यूसी तो मिल चुका है 4 रुपए में, तो बचा कितना 600 में से 60 - 600 मतलब 540 यूसी और जमा करना है। तो आपको ये 4 रुपए में मिला। तो सपोज अभी और 9 बार आप करोगे जीमेल अकाउंट से तो टोटल होगा आपका टोटल 40 रुपए ही होगा, क्योंकि 4 रुपए में आपको 60 यूसी मिला है। ओके, तो 60 × 10 इज इक्वल टू 600 यूसी। ओके, और 4 × 10 इज इक्वल टू 40 रुपीज। तो आप जैसे कि कैलकुलेशन तो अभी क्लियर ही है, आपको 40 रुपीज ही देना पड़ेगा घूम फिर के। तो आपको लेकिन कैसे करना है, आपने एक जीमेल अकाउंट तो यूज कर लिया, अभी वापस इस पे ऑफर नहीं आएगा, ठीक है। ये जीमेल अकाउंट पे वापस वो ऑफर नहीं आएगा क्योंकि आपने इसे ऑलरेडी परचेस कर लिया है। तो अभी दूसरा जीमेल अकाउंट यूज करना होगा आपको, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, आप फेक अकाउंट यूज नहीं कर सकते, तो फेक अकाउंट यूज करने के बारे में सोचिएगा अभी मत, ठीक है। आप जो भी जीमेल अकाउंट यूज करें वो एटलीस्ट 2 महीने पुराना होना चाहिए, तब जाके ऑफर दिखेगा वो जीमेल अकाउंट पे। तो ओके, आपने पहला जीमेल अकाउंट तो अभी यूज कर लिया, तो सेटिंग्स में जाके, अकाउंट्स में जाके, गूगल में जाके वो जीमेल अकाउंट निकाल दीजिए, ठीक है। वो जीमेल अकाउंट निकालने के बाद आपको आपका प्ले स्टोर का क्लियर कैची करना होगा। एप्लीकेशंस में जाइए, वहां पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन सर्च कीजिए, प्ले स्टोर में से क्लियर कैची, क्लियर डेटा कर दीजिए, ठीक है। वो करने के बाद आपको वापिस अकाउंट्स में जाना है, गूगल में जाना है, और इस बार नया जीमेल अकाउंट डालना है। नया से मेरा मतलब है दूसरे किसी का जीमेल अकाउंट जो 2 महीना पुराना हो, ठीक है।
वो डालिए, उसके बाद PUBG खोलिए, वापस आप 60 UC परचेज कीजिए, वही ऑफर आपको मिलेगा वही ट्रिक करने के बाद। बैक बैक समझ गया ना मैं कौन सी ट्रिक बात कर रहा हूँ। जैसा आप देख रहे थे, जैसा हमने पहले किया था 4 रुपए के लिए, वही ट्रिक आपको करना है। जैसे आप ये ट्रिक खरीद ले तो आपको अभी कितना 120 UC हो गया, 60 120 UC 8 रुपए में, ठीक है। तो वैसे अभी आपको और 8 बार करना है और अलग अलग जीमेल अकाउंट के साथ। तो ठीक है गाइस, आप सबसे मुश्किल काम इसमें एक ही है कि आपको इतने अलग अलग जीमेल अकाउंट ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए आगे इस तरीके के और वीडियोस पाने के लिए। What must